हेलो फ्रेंड, प्रियंका कुक 5 के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जो कि आप किसी टाइम बना के खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पालक को हल्का सा उबाल लिया है, ज्यादा नहीं, हल्का सा, थोड़ा सा नरम हो जाए उसको निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने छिलके वाली मूंग की दाल ले ली है, इसको मैंने ना भिगो दिया सा 4 से 5 घंटे के लिए। तो इसको भिगो के मैंने पानी से छान लिया है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें जो हमारा पालक है ना, और उसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है, गर्म ना रहे। तो हमें पालक और मूंग की दाल को नमक और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका जो है बिल्कुल बारीक महीन पेस्ट बना लेंगे। तो देख सकते हैं पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। तो पेस्ट हमें इतना तक रखना है जितना हम किसी चीले का रखते हैं। जैसे हम चीला बनाते हैं तो जितना पतला रहता है ना, उतना ही हमें पतला रखना है बना के। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक अलग बाउल में इसको निकाल लिया है और इसको हम अपना अपने हिसाब से देख लेंगे, पहले धार गिरा के कि कैसा ये होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो उसका आलू का मसाला है ना, यहाँ पे हम उसको बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे तड़का ले लिया है। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन, कड़ी पत्ता और सरसों, ये सब मैंने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने रेड वाली मिर्च ले ली है, आप हरी भी डाल सकते हैं। तो दो मैंने मिर्च ले लिया है, एक प्याज, प्याज को मैंने बारीक काट लिया है और ज्यादा हमें भूनना नहीं है, थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए इतना तक हमें भूनना है। स्वाद अनुसार हम नमक ले लेंगे। तो नमक हमें उतना ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने बैटर में डाला था। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने आलू का मैश किया था ना, अब उसको हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को उबाल करके मिक्स करके रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बारीक हरी धनिया डाल दी है और अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो सारा मसाला है अच्छे से मिक्स जाए। और 2 मिनट के लिए हम आलू को भी ऐसे मसाले में पका लेंगे। तो फिर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं बनाऊंगी चीला। तो ये नाश्ता बहुत टेस्टी होता है, एक बार आप जरूर बना के देखिए। तो यहाँ पे मैंने बैटर को फैला लिया है। तो देख सकते हैं तवा को हमें बिल्कुल गर्म नहीं करना है, ज्यादा गर्म रहेगा तो हमारा जो ये चीला है ना बनेगा नहीं। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से ये फैल गया है। तो यहाँ पे हमने तेल लगा के इसको फैलाया है और इसको ना ढक देंगे ताकि जो हमारे ऊपर के साइड का है ना, ये भी अच्छे से हो जाए। तो देख सकते हैं हमारे जो ऊपर का है बिल्कुल अच्छे से ये हो चुका है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर से तेल लगा लेंगे। तो यहाँ पे अगर देख लीजिएगा, अगर आपका ऊपर के साइड का हो गया है तो इसको पलटने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुआ हो तो एक बार आप पलट के, सिर्फ थोड़ा सा 2 सेकेंड के लिए पलट के दोबारा फिर पलट लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए क्योंकि ये बहुत पतली होती है, ज्यादा आसानी से पलटता नहीं है। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे सेजवान सॉस लगा दूंगी। अगर आपके पास पनीर का जो बनाते हैं चटनी ना, आप उसको भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी चटनी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेजवान सॉस लगाया है और फिर उसके बाद से मैं साइड में जो हमने मसाला बनाया था ना आलू का, उसको रख देंगे। तो ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्लाइस ले लूंगी। तो जो हम बनाते हैं ना स्लाइस, या तो उसमें डाल देते हैं, तो उसको ये मैंने घिसा हुआ चीज ले लिया है। तो यहाँ पे मैं इसको डाल दी हूँ, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, डालने की जरूरत नहीं है। अगर डाल देंगे तो बच्चे बहुत मजे से इसको खाते हैं। तो देख सकते हैं हमारा कितने जल्दी बन के तैयार हो चुका है। आप इसको सुबह में नाश्ते के टाइम भी बना के खा सकते हैं। ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, बड़ों के लिए ही भी है। आप इसको बच्चों के टिफिन में भी बना के दे सकते हैं। तो ये झटपट बनने वाला नाश्ता है। तो आप भी एक बार इसको जरूर ट्राई करिए, बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।